हाँ, तो मृत्यु लोक का सुख बहुत पाया। आप लोग भूल गए, आप लोगों को पिछले जन्मों की याद नहीं है। आप लोग हजारों लाखों करोड़ों बार स्वर्ग जा चुके हैं, स्वर्ग के देवता बन चुके हैं। बड़ा आनंद वहां पर है, संसारी वो सब भोग चुके हैं आप। फिर वहां से आए, कुत्ते बने, फिर गधे बने, फिर बिल्ली बने, फिर मनुष्य बने। मनुष्यों में भी कभी किसी जन्म में गरीब बने, किसी में अमीर बने, किसी जन्म में कुरूप बने, किसी जन्म में सुंदर रूप वाले बने, किसी जन्म में अंगूठा छाप रहे, किसी जन्म में बुद्धिमान रहे। ये सब आप लोग भोग चुके हैं। स्वर्ग का सुख भी, मृत्युलोक का सुख भी, लेकिन वो सब विनश्वर है, दुख का मिक्सचर है, प्योर सुख नहीं। और प्रतिक्षण घटमान सुख है, ध्यान दो, प्रतिक्षण घटमान, यानी घटता जाता है संसारी सुख। पहले ज्यादा मिला, देखो जब लड़कियों का ब्याह होता है तो लोग देखने आते हैं, दुल्हन देखना कहते हैं उसको, कूड़ा कबाड़ा संसारी उनके दर्शन करने आते हैं अपना घर छोड़ के। लेकिन एक बार आए देखा, उसके बाद उससे वैराग्य हो गया। अरे क्या देखना उसको, हमसे उससे मतलब क्या है। जिस पति से ब्याह हुआ है उसका भी वो अटैचमेंट जो पहली बार हुआ था वो धीरे 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 डाउन हो जाता है। एक दिन में ही डाउन हो जाता है, साल दो साल की बात नहीं। अधिक स्वार्थ सिद्ध हुआ, अधिक प्यार। कम स्वार्थ सिद्ध हुआ, कम हो गया प्यार। स्वार्थ में गड़बड़ किया है उसने तो डिटैचमेंट हो गया, वैराग्य हो गया। तो स्वर्ग का सुख हो या मृत्युलोक का सुख हो, सब दुख है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये तीन प्रकार के दुख सब दुखों को समेट लेते हैं अपने अंदर। एक मन का दुख, एक शरीर का दुख, इसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। मन का दुख क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो दिन भर लगे रहते हैं हमारे पीछे, हमको जलाते रहते हैं। जरा सी बात पर, एक वाक्य पर गुस्सा आ गया, अब जल रहा है हृदय गुस्से में और बुद्धि खो गई। क्रोधात् भवत् सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यत् गीता। क्रोध आया तो मोह हो गया, और मोह आया तो स्मृति याददाश्त चली गई। क्रोध में याददाश्त चली गई, और याददाश्त चली गई तो बुद्धि का नाश हो गया, और बुद्धि का नाश हुआ तो उस व्यक्ति का नाश हो गया। क्रोध ने हमको वहां तक पहुंचा दिया। हम लोग क्रोध में क्या करते हैं? माँ को गाली दे देते हैं, बाप को भी, भाई को भी, बहन को भी, पड़ोसी को भी। और थोड़ी देर बाद जब क्रोध उतर जाता है तो मैंने बड़ी बेवकूफी की, ऐसा मैंने क्यों कहा, मैं भी कैसा गधा हूं, ये रियलाइज करते हैं आप लोग। लेकिन क्रोध जब आया तो उस समय आपकी बुद्धि काम नहीं करती। अगर आपका पड़ोसी दोस्त कहे आप साथ क्रोध कर रहे हैं, ये तो बहुत बुरी बात है। अजी वो क्रोध क्या है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ओ लड़ जाएगा उससे भी। उस समय बुद्धि है ही नहीं बेचारे। तो एक तो ये मानसिक रोग और एक शारीरिक रोग, उसको आप लोग जानते ही हैं, फीवर से लेकर के और
बड़े बड़े रोग हमारे संसार में है जिसका इलाज ही नहीं है, ये सब हमको भोगना पड़ता है। और कब कौन रोग हो जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि सब मशीन तो भीतर है, वो दिखाई तो पड़ती नहीं। अच्छा खासा घूम रहा है, टहल रहा है, बोल रहा है, और हार्ट अटैक हुआ, एक सेकंड में खत्म। नहीं खत्म हुआ तो भी रोए, दुख भोगे। इसी प्रकार बाहर से लोगों का दुख, किसी ने हमको डांट दिया, किसी ने मार दिया, किसी ने हमारी संपत्ति नष्ट कर दी, उसका दुख। हम कमजोर हैं, क्या करें, मजबूर हैं। और फिर मौसम का भी दुख, सर्दी है, गर्मी है, ये तमाम प्रकार के दुख ये। और फिर माँ का दुख, उससे हम दुखी, बाप का दुख, उससे हम दुखी, बीबी का दुख, उससे हम दुखी, बेटा बेटी का दुख, उससे हम दुखी। यानी दुख का भंडार है प्रति सेकंड, और फिर भी हम जिंदा हैं, कमाल है। और अगर कोई किसी से पूछे को साहब हाउ आर यू, ऑल राइट, ऑल राइट, अरे एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है, और ऐसी बेवकूफ की बातें करता है, सब ठीक है, बिल्कुल आनंदमय है, हम ब्रह्मानंद मिल रहा है संसार में। इतनी झूठ बोलता है आदमी, एक दूसरे को धोखा देता है, मुस्कुरा के हाथ मिलाता है, अंदर गड़बड़ है, दुखी है, परेशान है, टेंशन है, डिप्रेशन है। तो ये तीन प्रकार के ये दुख हम भोग रहे हैं। और मनुष्य शरीर में जितना दुख है वो तो किसी मात्रा में मान भी ले, लेकिन 84 लाख में घूमना पड़ता है वो पाप के परिणाम से। सोचो एक आदमी, हमारे पास 10 लाख है, 1 करोड़ है, हमको रोटी दाल की कोई कमी नहीं, 4 आदमी को हम खिला सकते हैं। हाँ, एक कुत्ते को देखो, आवारा कुत्ता कहाँ खाएगा, एक पक्षी कहाँ खाएगा, कहाँ पानी पिएगा, नहीं मिला खाना, नहीं मिला पानी, तड़प तड़प के मर गया, वो कितना दुखी है, उसमें जाना पड़ता है पाप का परिणाम 84 लाख में जाना, कितना दुख। जिसके पास कुत्ता गया भूखा, वो डंडा मारा उसने, एक मामूली सा देखो मच्छर है, वो बेचारा घूम रहा है भूखा, और आदमी ओ मार दो, ये मक्खी है मार दो, ये सांप है मार दो, बेचारे कितने परबस हैं उन देह वालों ने जीव लोग, लेकिन वो भी हम सब अनंत बार भोग चुके हैं, अनंत बार। ये मानव देह तो कभी कभी मिलता है, कबहू ककारी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। ये तो कभी कभी मिलता है मानव देह, इस देह को तो स्वर्ग के देवता चाहते हैं, जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं वे देवता ये देह चाहते हैं। तो इस प्रकार हम भगवान से विमुख होने के कारण माया के अंडर में है, और माया के अंडर में होने के कारण एक एक शब्द पर ध्यान दो, हमने अपना स्वरूप भुला दिया, हमने अपने आप को देह मान लिया, और देह के नातेदारों से प्यार किया, तो उसका परिणाम सत्वगुण रजोगुण तमोगुण संबंधी स्वर्ग मृत्युलोक और नरक और आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख
और 84 लाख योनियों में भटकने का दुख ये सब हमने भोगा और भोग रहे हैं। और इस सब का मेन रीजन क्या, पहला कारण क्या, भगवत विमुखता, श्री कृष्ण से विमुख है। बस एक रीजन, तो दवा क्या, अगर रोग का कारण मालूम हो जाए तो कोई भी डॉक्टर दवा करे आराम से कर देगा। तो विमुख होने का के कारण इतना सारा दुख हमको मिला, अनंत जन्म। अब अगर हम सन्मुख हो जाएं, श्री कृष्ण के सन्मुख हो जाएं, वे ही हमारे हैं ये डिसीजन हो जाए, वे ही आप लोग बोलते हैं मंदिरों में, तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव, एक्टिंग में बोलते हैं। इसी को फैक्ट में अगर आप उतार दें, बुद्धि में बिठा दें, तू ही मेरी माँ है, तो संसारी माँ अगर मरे तो आपको कोई फीलिंग नहीं होगी। तू ही मेरा बाप है, तो संसारी बाप मरे, बीमार हो, एक्सीडेंट हो, कुछ हो, ड्यूटी करो अपनी, लेकिन अंदर से फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि तुमने उसको मान लिया है। एव एव माने ही। यहां तक की प्रॉपर्टी, तुम्हारी पैसा जो तुमको बहुत प्रिय है, उसको भी तुमने भगवान के रूप में माना, इस पैसे में अटैचमेंट हटा। द्रविणम त्वमेव, हे श्री कृष्ण तुम ही मेरी दौलत हो, मेरे धन हो। तो ही लग जाए, ये सन्मुखता है। बस कुछ करना धरना नहीं है, बस ही लगाना है। वो कैसे लगेगा, चिंतन से, चिंतन से, चिंतन से, बार बार सोचने से, बार बार चिंतन करो, तू ही हमारा है, तू ही हमारा है, तू ही हमारा है। तो मां मनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रबिलीयते, भागवत विषयान ध्यायतः पुंसो विषयेषु विसज्जते। ये चिंतन बढ़ावे, बार बार रिवीजन करे, तू ही हमारा है, तू ही हमारा है, तो उनमें अटैचमेंट हो जाए, उसमें आनंद भी मिलेगा। वहां तो आनंद मिलेगा, फीलिंग आएगी, भक्ति में, साधनावस्था में भी सुख, सिद्धावस्था में भी सुख। तो इस प्रकार सन्मुख होना बस एक काम है,